पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारतकारों की बहाली। पाकिस्तान और ईरान के सफीर 26 जनवरी से अपनी पोजीशन पर बहाल होंगे। पाकिस्तान के सफीर 26 जनवरी को तेहरान में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईरान के सफीर भी 26 जनवरी को इस्लामाबाद वापस आएंगे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद, हमारे साथ हैं। जी खालिद, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी देखिए जी, दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है गुज़श्ता हफ्ते जो है उरूज पर थी, क्योंकि पहले ईरान ने पाकिस्तान की जमीन की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो सफारती तलुकात थे वो खत्म हो गए थे और पाकिस्तान ने अपना सफीर तेहरान से वापस बुला लिया था, जबकि जो पाकिस्तान में ईरान का सफीर है उसको भी कह दिया गया था कि वो तेहरान में ही रहेंगे और वापस नहीं आएंगे। लेकिन इसके बाद चूंकि दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सतह पर रब्ता हुआ, ईरानी वजीर खारजा और वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी के दरमियान रब्ता हुआ, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि दोनों ममालिक कशीदगी का खात्मा करेंगे और एक दूसरे के जो तल्लुकात हैं उनको बहाल करेंगे। लिहाजा 26 जनवरी से दोनों ममालिक के सफीर अपनी वापस पोजीशन में होंगे और दोनों ममालिक के सफीर अपनी जो नशिस्तें हैं वो संभाल लेंगे। जी खालिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।